नमस्कार दोस्तों, सिटल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे HDFC बैंक मोबाइल ऐप्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर कंज्यूमर आईडी में अपना यूजर आईडी डाल सकते हैं और नीचे पासवर्ड में डालिए अपना पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह का परमिशन मांगेगा, तो आपके डिवाइस से मीडिया परमिशन मांगेगा और कॉल परमिशन मांगेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद ऐड बिल्डर में जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर मोबाइल रिचार्ज या कोई और अदर रिचार्ज, गैस बिल पेमेंट और इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और सारी ऑप्शन यहाँ दिया। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लिक कर लीजिए दोस्तों। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने अनुसार जो आपके यहाँ बिल जिस बिजली बिल हो वहाँ से आप भर के अपना बिल देख सकते हैं और बिल जमा भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ दोस्तों। बैक कर लेने के बाद आपको फिर ले चलते हैं सेविंग अकाउंट में। अब यहाँ देख लीजिए UPI है, पे है, सेव है, इंटरेस्ट है और UPI में UPI पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र। जैसे कार्ड, उस कार्ड के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप HDFC कार्ड अगर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड कोई भी है, तो आप यहाँ से रजिस्टर करके दोस्तों, किसी भी बैंक का रजिस्टर करके आप यहाँ क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपके कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और आप कार्ड ईयर, मंथ और ईयर दोस्तों। उसके बाद पिन मांगेगा, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद आपका कार्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद आप निःशुल्क यानी बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के आप किसी विड्रॉ कर सकते हैं और किसी के अकाउंट पर UPI के थ्रू पैसे भेज सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे कार्ड को, डेबिट कार्ड मेरे, आप देख लीजिए पहले जहाँ तक मेरे कार्ड 3 लाख ट्रांजेक्शन दोस्तों है इसका वैलिड। और उसके बाद अब ले चलते हैं आपको फ्यूचर्स में, कोई अभी नहीं मैंने शो किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पे पे जाते हैं दोस्तों। अब आप UPI पेमेंट पे जाके अपनी पेमेंट बना सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं UPI रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँच चुका हूँ दोस्तों, तो इसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैसेज छिल लिए दोस्तों, या तो मैसेज आप भेज देंगे, मैसेज भेजते ही दोस्तों देख सकते हैं आ गया मैसेज। और दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ पे अपना पासवर्ड देख सकते हैं। और पासवर्ड देख लेने के बाद दोस्तों, पासवर्ड देख लीजिए और पासवर्ड देख लेने के बाद आप आंसर रखिए दोस्तों। उसके बाद एंसर डालिए, उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो आपका एक UPI कोड यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों बन जाएगा दोस्तों। तो फिर आप फ्री में पैसे भेज और मंगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और सिट्टल ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हम ऐसे ही लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, कोई भी और कमेंट या अपनी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिट्टाल ज्ञान चैनल हमेशा पर रहेगा दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।